सरकार की पहल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था। देशभर में लगभग 77 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन स्कीम यूपीएस के बाद अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ हुई इस बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझाव पर 15 दिनों के भीतर पुनर्बैठक करने पर सहमति बनी है। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने ये भी स्पष्ट कहा है कि जब सरकार यूपीएस में अपना अंशदान 18.5% दे रही है तो ईपीएस 95 में केवल 1.16% क्यों। उन्होंने न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए करने की मांग करते हुए कहा कि वे केवल 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि एक ओर यह बैठक ईपीएफओ मुख्यालय में हो रही थी, वहीं दूसरी ओर देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों में प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। इस बैठक में अतिरिक्त सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती, अपराजिता जग्गी, शुभम अग्रवाल सहित समिति के कई वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे। जबकि समिति की ओर से कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखेड़े, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा आरस और राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखेड़े शामिल रही। पेंशनरों को उम्मीद है कि इस बैठक के परिणाम स्वरूप उनकी मांगों पर सरकार जल्दी सकारात्मक कदम उठाएगी जिससे उन्हें राहत मिल सकेगी। जो आर्किटेक्चर हो यूपीएस का ही हो, उसे सभी जो लोग हैं 10 साल सर्विस के जिन्होंने की है या ज़्यादा सर्विस की है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उस हिसाब से सबको अच्छा बेनिफिट मिले, इस बात को लेकर हमने आज चर्चा की है और बहुत पॉजिटिव नोट पे चर्चा हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम सभी लोग पॉजिटिव है, नॉट ओनली दैट मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव है और इवन आपका वित्त मंत्रालय भी पॉजिटिव है। लगातार प्रदर्शन करने के बाद, लगातार मीटिंग करने के बाद आज भी आपको मीटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या लगता है? आपने ये कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही है आने वाले समय में, क्योंकि मिनिस्टर भी पॉजिटिव हैं, क्या लगता है, उम्मीद क्या है अशोक जी की? आप बड़े अनुभवी हैं, आपको पता है सर। उम्मीद तो ये है कि आने वाले एक महीने के अंदर हमारा काम होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है और हमने बोला भी है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है तो हम सरकार को सहयोग नहीं कर सकते इलेक्शन में, और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, ये हमने पहले से भी बता के रखा है। तो ये अभी हरियाणा का इलेक्शन है, हमें उसमें भी सोचना है कि हमें क्या करना है, वो हमने पहले भी बोल चुके हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन पोस्टपोन जरूर हुआ लेकिन हरियाणा का इलेक्शन है, अब उसमें भी हमारे लोगों की तैयारी है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी केवल आश्वस्त करने से काम नहीं चलेगा, जैसे आपने तुरंत एक मीटिंग में यूपीएस का फैसला लिया और उसके पहले जो आपने उसके लिए मीटिंगें कराई होगी, उसी तरीके से आज भी हमारा ग्राउंड वर्क आपके पास अगर तैयार है तो जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, ये हमारा कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम के चुनाव जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी आपने इंडिया गेट से चेतावनी दी थी, भारी बारिश में और बड़ा वैसा माहौल था, क्या लगता है लोकसभा चुनाव निकल गए लेकिन अभी भी आप दौड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जा रहे हैं अधिकारियों के पास, आप विधानसभाओं पर आपने चुनाव चेतावनी दी है चाहे वो महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, लगता क्या है सर अशोक जी? मतलब देखिए, लोगों का जो गुस्सा है लोकतंत्र में वो केवल एक नेता के कहने से नहीं, उनके मन में वो गुस्सा होता है, वो गुस्से का परिणाम आपने देखा है लोकसभा में। जितने भी कारण बीजेपी के थोड़े सीट कम आने के होंगे उसमें एक कारण ईपीएस का जरूर है। हमने कोई फतवा नहीं निकाला, लोगों को ये नहीं बोला इनके खिलाफ जाओ या इनके साथ में जाओ, फिर भी ये परिणाम आया है। अगर हमारा नेतृत्व ये कहता कि हमें ये करना है वो करना है तो उससे परिणाम में और भी ज़्यादा गंभीरता आती, लेकिन हमने ये किया नहीं है। और अभी हमने ये डिक्लेयर किया है कि अभी हम साइड लेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा तो। सर, पिछले बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को चुनौती दी और आज ईपीएस के साथ मीटिंग हो रही है, इसका परिणाम क्या सरकार? नहीं देखिए मैडम, चुनौती हमने दी जरूर है, वो चुनौती कायम है उसकी जगह, लेकिन
हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो बुला रहे हैं, आपको कुछ बात बता रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नहीं निकले, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पूरी तरह से, क्योंकि सिर्फ ईपीएफओ ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, इसमें पीएमओ होना चाहिए, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए और हम लोग होने चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सॉल्यूशन निकलेगा ज़रूर, लोग सभी पॉजिटिव है, लेकिन केवल किसी को अपोज करने के लिए या इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोगों का इसमें जल्दी से जल्दी भला हो, उनको उनकी रोजी रोटी मिले। अब इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हमने कोई चेतावनी दी है तो वो चेतावनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हमें मीटिंग में बुलाया जाता है, हमारा सहयोग लिया जाता है, तो हम जरूर करेंगे। अशोक जी, अंतिम सवाल मेरा रहेगा, बाकी लोग पूछेंगे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार आपकी मुलाकात हुई, देश में बड़े बड़े मुद्दों पर, क्योंकि ये सवाल मेरा हर बार आपसे रहता है, बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बड़े बड़े बिल पास किए जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हज़ारों लाखों की तादाद में बुजुर्ग सड़कों पर रहे हैं, आज भी हैं, आज भी मीटिंग ही चल रही है, मामला क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वाकई में बात नहीं पहुँच रही है, या कारण क्या मानते हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात तो तभी पहुँची जब हम उनसे मिले हैं। एक बार नहीं, दो बार मिले, आधा आधा घंटा उन्होंने चर्चा की है, विषय समझा है, अपनी तरफ से डायरेक्शन भी दिए है। इस प्रश्न में सबसे बड़ा हजल थी, ब्यूरोक्रेटिक अड़चने थी, जो अभी दूर हुई है, काफ़ी हद तक दूर हुई है। और अभी जो मंत्री जी आए हैं वो भी स्पष्ट समझते हैं कि करना क्या है, तो इसमें हमारी आशा पल्लवित हुई है और जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहा और तुरंत होगा, वो तब होता है जब या तो प्रधानमंत्री कोई डिक्टेटर होता है या प्रधान या राजा की व्यवस्था होती है, जो किंगडम होता है, तब होता है। लोकतंत्र में अकेले प्रधानमंत्री के बोलने से चालना जरूर मिलती है, लेकिन काम तुरंत नहीं होता है, उसमें देरी होती है। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।